व्हाट्सअप गाइस, कुणाल है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा चार बहुत ही मजेदार ऐप्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो यार, जो आज की हमारी पहली ऐप है उसका नाम है नेटशेयर। अब आपको लोगों में दिख ही रहा है कि इसमें राउटर, वाईफाई, हॉटस्पॉट सब कुछ बना हुआ है। ये ऐप करती क्या है, अब हमारे लिए वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक ही टाइम पे चला सकती है। दिखाता हूँ कैसे। तो यार, ये है नेटशेयर ऐप। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। इसे जैसे ही ओपन करते हैं, लिखा होता है स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट। इसे हम जैसे क्लिक करते हैं वो ऑन हो जाता है। ये मतलब आपका हॉटस्पॉट चल चुका है। बस आपको करना क्या है, आपके दूसरे फ़ोन के वाईफाई में जाके पासवर्ड डाल के, ऊपर लिखा हुआ है नेम पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद एड्रेस और ये पोर्ट, ये प्रॉक्सी में लगाना है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। वाईफाई नेटवर्क अभी आ गया, जैसे ही है इस पर हमने लाइक कुछ भी डाल दिया पासवर्ड। अभी मैं आपको बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी आपको वो पासवर्ड डालना है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो है ना चेंज हम नहीं कर सकते हैं मैनुअली। जैसे ही हम इसमें जाएंगे, ये देखो ये प्रॉक्सी है ना, ये नन है, इसको मैनुअल करना है। इसको मैनुअल करने कर यार इसे मैनुअल करते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम में एड्रेस आएगा और पोर्ट में वहाँ पे जो दिया होगा 8484 आई थिंक वो आएगा। एक बार देखते हैं, सॉरी 84 नहीं, 8282 है वो आएगा। बाकी यहाँ पे थीम है, देखो अलग अलग तीन थीम है यहाँ पे, आपको जो पसंद है वो लगा सकते हो। और आप यहाँ पे डाटा अलर्ट का भी लगा सकते हो कि मतलब अगर आपका कोई हॉटस्पॉट वाईफाई से यूज़ कर रहा है तो मतलब ज़्यादा तो नहीं ले रहा वैसे सब। तो यार, जैसा कि आपने देखा, आप एक ही टाइम पे वाईफाई और हॉटस्पॉट को चला सकते हो। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम वाईफाई का पासवर्ड नहीं देना चाहते, तो हम ऐसा कुछ मतलब कर सकते हैं। अगर ऐप अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो यार, जो आज की हमारी अगली ऐप है उसका नाम है RTO एग्ज़ाम। अब ये आपको तब हेल्प कर सकती है जब आपका लर्नर लाइसेंस का टेस्ट हो, क्योंकि अब लाइसेंस आपको पता है कि कितना ज़रूरी हो चुका है, कितना फाइन है उस पर ये भी आपको पता ही होगा। तो ये अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपको टेस्ट देना है तो ये बेस्ट ऐप है। दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें मतलब बहुत कुछ है। तो यार, ये है RTO एग्ज़ाम ऐप। इसे जैसे ही हम ओपन करते हैं, देख लो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है। ये हमसे सबसे पहले ये स्टेट मतलब हमारा कौन सा स्टेट है, ये मतलब उसी हिसाब से टेस्ट कब होता है ना, इसलिए पूछता है। और इसमें इंडिया के सब स्टेट्स अवेलेबल हैं। देखो मैं दिल्ली से, तो मैंने दिल्ली शहर सिलेक्ट किया। इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, पर दूसरे अगर आप डाउनलोड करोगे इसी के वेरियंट आते हैं जो और ऐप्स में भी है। अभी के लिए मैंने इंग्लिश इसमें चूज़ किया, हिंदी में बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी होती है। पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन बैंक, इसमें हमारे पे क्वेश्चन और आंसर दोनों होते हैं जो आपसे वहाँ पूछे जाते हैं। और यहाँ पे राइट साइड पे होते हैं सारे साइंस, यहाँ पे मतलब जितने भी साइंस होते हैं सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आप जाते हो प्रैक्टिस में, लाइक स्टॉप का होता है, तो हम जैसे इसे स्टॉप करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये लेफ्ट का मतलब कंपल्सरी टर्न लेफ्ट का होता है, ये ग्रीन हो जाएगा, पर अगर आप वो करोगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ से आप मतलब यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि एक मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे और एक मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये आप इसे मतलब अच्छे से देख सकते हो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये ऐप, मैंने भी लर्नर लाइसेंस अभी इसी ऐप के मतलब इसी ऐप से तैयारी करके गया था मैं, और मतलब इसी से जो यहाँ पे इस ऐप में क्वेश्चंस थे वही वहीं पे आए थे। तो मेरे को ये बहुत सही ऐप लगी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और इसमें आप और भी मतलब सेटिंग्स वगैरह हैं जो आप देख सकते हो अगर चाहो तो। तो यार, जैसा कि आपने देखा, ये ऐप आपके कितने काम आ सकती है। जैसे आपका लर्नर लाइसेंस टेस्ट हो तो आपके बहुत काम आ सकती है ये ऐप। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐप कैसी लगी। हम चलते हैं अपनी अगली ऐप की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। तो यार, यही है वो ऐप जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि बहुत धमाकेदार है। और ये धमाकेदार क्यों है वो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ।
तो यार ये है वीडियो बड़ी ऐप, इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं ये दो तीन सेकंड की एक ऐड आती है। और ये देखो यहाँ पे देखो तानाजी कितनी नई है और ये मूवी आ चुकी है। अब इससे तुम ये कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम सब की वेब सीरीज जो लेटेस्ट मूवीज आई हैं वो सब डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो गुड न्यूज़ भी आ रही है, सब आपको फ्री में मिल गया, कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एडल्ट कंटेंट आ गया। ये देखो जैसे हम नीचे जाते हैं ये एलटी बालाजी, नेटफ्लिक्स और भी मतलब सब ड्रामा कॉमेडी मतलब हर इसमें अलग एक सेक्शन है। जैसे ये है अमेजोन प्राइम की वेब सीरीज है ये सारी, आप ये मतलब फ्री में देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो चाहो तो। आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे नहीं देखना, लाइक तो आप डाउनलोड करके लैपटॉप या अपने टीवी में भी चला सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होती डाउनलोड करने में, बहुत ही फास्ट डाउनलोडिंग है इसकी। तो यार जैसा कि आपने देखा आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी नेटफ्लिक्स की, अमेजोन प्राइम की और भी मतलब बहुत सारी वेब सीरीज हैं, सब आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलो चलते हैं हमारी अगली ऐप की तरफ। तो यार आज की जो हमारी लास्ट ऐप है उसका नाम है स्नैप ट्रांस। तो यार जैसा कि आप लोगों में देख रहे हो कि इसमें इंग्लिश में ए लिखा है और फिर हिंदी में ए लिखा है, तो मतलब ये क्या करती है, ये जो आपको लैंग्वेज नहीं आती मतलब उसे समझना थोड़ा जिसे आपको मुश्किल है, आप उसको इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं कैसे। तो यार ये है वो ऐप, इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और इसे एसेसिबिलिटी में एक परमिशन देनी होती है। यहाँ पे मोर डाउनलोड सर्विसेज, यहाँ पे इसे ऐप को चूज करके इसे ओके कर दो, इसे परमिशन देनी होती है यूज़ करने के लिए ना। और इसे एक और परमिशन हमें देनी पड़ेगी ताकि ये और ऐप्स के ऊपर आ सके, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए ना, और ऐप्स के ऊपर इसे वो होता है ची होता है। तो ये देखो इसमें ये मैग्नीफाइंग ग्लास बना जाता है। और अभी हम इंग्लिश टू हिंदी ऐसे करेंगे और इसमें वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती वगैरह और बाहर के लैंग्वेजेस भी हैं, चाइनीज़ वगैरह सब, जापनीज सब है। लाइक यहाँ पे है देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये है ना, अभी स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, पर ये मतलब बहुत टाइम तक लिखाता है हिंदी में, व्हाट्सएप में है ये आप मतलब कोई भी आपको टेक्स्ट कर रहा है इंग्लिश में, आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती तो आप उसका सही से जवाब दे सकते हो इसके मदद से। तो यार जैसा कि आपने देखा कि हम कैसे इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप और भी लैंग्वेजेस को कर सकते हो। आप कहीं पे भी कुछ भी सर्च करते हो या फिर आपको कोई टेक्स्ट करता है उस लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती, तो भी आप उसका रिप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। तो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर कर दो इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज और सजेशंस भी दे सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इससे भी और अच्छी और एक्साइटिंग ऐप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।